तो गाइस हम आए थे यहाँ पे अंशु भैया की शॉप है। अंशु भैया हेलो कर दो। और हमने यहाँ पे TVS राइडर 125 को खोल दिया है हैजार्ड इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ से दो स्क्रूज ऊपर से ओपन करने पड़ेंगे, दो स्क्रूज यहाँ से और दो स्क्रूज नीचे वाले। एज यू कैन सी यहाँ से हमने खोल दिया है और अब इसकी जो पीछे वाली बॉडी है इसको भी ओपन कर रहे हैं ताकि इसमें हैजार्ड इंस्टॉल कर सके। नई नई गाड़ी को पीछे से पूरा खोल दिया है, यहाँ से हेडलाइट के पीछे वाली जो फेयरिंग है इसको निकाल रहे हैं। अभी कितने दिन हुए भाई गाड़ी लिए हुए? चौथा दिन है बोलो। तीसरे दिन तो कल अपन ने राइड पे करी थी, वीडियो है लिंक आई बटन में। सो गाइस यहाँ पे हमने पूरी हेडलाइट खोल दी है, आगे वाली असेंबली हमने अलग कर दी और यहाँ पर पीछे वाला जो पार्ट है ये हमने एक्सपोज कर दिया है। एंड एज यू कैन सी ये वाला जो पार्ट होता है ये इंडिकेटर का पार्ट होता है, तो आपको सबसे पहले इसको अनप्लग करना है। इसके अंदर में हैजार्ड की एक वायर डालनी है और इसी के साथ में जो दूसरा वाला है ये ब्लैक वाला, इसके अंदर में ये ब्लैक वाली वायर डालनी है। जो भी अंशु भैया करेंगे तो आपको एक डेमो दे दूंगा मैं, उसके बाद इसका हैजार्ड जो है पूरा सेट हो जाएगा। और डबल सेफ्टी के लिए इसको चिपकाया जा रहा है, तो पहले उसको अनप्लग कर दिया जाएगा, वायर को डाला जाएगा नीचे वाले सॉकेट में और इसको वापस से बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो हैजार्ड के दो वायर है वो इंडिकेटर्स वाले सॉकेट के अंदर में फिट हो जाती है। डबल सेफ्टी के लिए टेप लगा देते हैं यहाँ पर भी। ये ही बधाइयां, पहली मॉडिफिकेशन डन। और ये वाला काम बिना वायर कट हुए हुआ है, पूरा का पूरा एज इट इज वायर्स के साथ में। कर दो बंद कर दो। तो यहाँ पे पीछे से पूरी फिटिंग हम वापस से कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, कोई वायर नहीं कट हुई है, सारा काम एकदम परफेक्ट हुआ है। ये स्विच यहाँ पर आ चुका है जिसको अभी हम यहाँ पे या यहाँ पे करवा देंगे वापस। अरे 5 मिनट भाई, 5 मिनट के अंदर पूरा सेट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर हमने पूरी की पूरी हेडलाइट वापस फिट कर दी है, एक भी नट आगे पीछे नहीं हुआ है। एज यू कैन सी पूरी की पूरी हेडलाइट स्टडी है प्रॉपर। एंड जो हैजार्ड वाला स्विच है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल करवा लिया है ऑलमोस्ट। एक बार ये हो जाए उसके बाद आपको पूरा लुक बता दूंगा मैं। तो गाइस कुछ ऐसा लुक आ रहा है फ्रंट में से। एंड ये वाला स्विच यहाँ पर लग चुका है एकदम, तो थोड़ा सा आपको चेकआउट करवा देते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी दोनों इंडिकेटर लग रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। स्विच ऑफ करते ही यहाँ पर सिंगल इंडिकेटर आ गया है, स्विच ऑन करते ही डबल इंडिकेटर आ गया है यहाँ पर भी। सो गाइस जैसे किसी मॉडिफिकेशन के लिए अंशु भैया को आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे ये वाली तो बहुत ही बेसिक मॉडिफिकेशन है, इस पर हमने 2 वीडियोज़ और डाल रखी है जो कि हमने खुद ने इसकी हेडलाइट असेंबली अलग करके उसमें हैजार्ड इंस्टॉल किए थे दिव्यांशु की गाड़ी में, हमारी अपाचे 164V। आई बटन में लिंक जाके देख सकते हो। और भी मॉडिफिकेशन की वीडियोज़ आपको चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो।